हिंदी में निराला कविताओं को छंद से मुक्त करने वाले प्रथम कवि माने जाते हैं। उनकी कविताएं दरअसल बोलते चित्र हैं। उनकी कविताओं की खास बात यह है कि उन पर कल्पनाएं हावी नहीं होती, वो यथार्थ को उसी तरह पेश कर देने में ज़्यादा भरोसा रखते हैं। इन्होंने अपनी बेटी सरोज के लिए एक खतनुमा लंबी कविता लिखी, जो एक तरह से उनकी ज़िंदगी में झांकने की खिड़की ही है। इसी तरह उनकी एक कविता और है, ये जहां भी जाते थे कविताएं लिखते थे। तो जब ये इलाहाबाद में जाते हैं, जब ये वापस आ रहे होते इलाहाबाद से, तो उनको दिखती है वहाँ पे एक महिला धूप में, कड़ी धूप में मेहनत करती हुई, और वो उसी पे कविता लिख देते हैं, जो इस प्रकार है। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तम तमाता रूप उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू, गर्द जिनकी छा गई प्रायो हुई दोपहर, बहुत तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार सुनी मैंने, वह नहीं जो थी सुनी झंकार, एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर।